राजधानी देहरादून के विकास नगर से है, जहां कालसी थाना पुलिस ने एक नशा तस्कर को भारी मात्रा में चरस के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल मुखबिर की सूचना पर कालसी थाना अध्यक्ष वैभव गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कोची रोड पर एक चरस तस्कर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नशा तस्कर की तलाशी में भारी मात्रा में 2 किलो 60 ग्राम चरस बरामद किया गया। बरामद चरस की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 2 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। इसके तहत ही पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए आरोपी के आपराधिक इतिहास की जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। विकास नगर से संवाददाता इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। चुनाव के दृष्टिगत की जा रही चेकिंग के दौरान थाना कालसी पुलिस द्वारा कोठी रोड पे एक व्यक्ति भगत राम निवासी धारिया मलेथा को 1 किलो 60 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी टीम में एडिशनल SI युद्धवीर सिंह, कांस्टेबल मोहन व कांस्टेबल दसराम सम्मिलित थे। बरामद चरस की कीमत लगभग 2 लाख से कुछ अधिक है और इस प्रकार अभी उसे रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।